राजनीति में भाषा का स्तर क्या हो, संसद के अंदर और बाहर अपनी राजनीति साधने के लिए क्या नेताओं की भाषा की कोई सीमा है या नहीं, ये हमारा सवाल है। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी को अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष का बेहद आपत्तिजनक बयान आया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा आपत्तिजनक है। इतना ही नहीं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने अपनी अभद्र भाषा पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं मानते कि उन्होंने कुछ भी आपत्तिजनक कहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे हरियाणा की आम भाषा है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांग दी है। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। अभी मैं उनका बयान देख रहा था तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं, ऐसी है मर्यादित भाषा पर। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट। उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है, यह कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया जहर है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे एक सांसद के मुंह से कोई अवांछित बात निकली थी तो उसी समय सदन में जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता उपस्थित थे राजनाथ जी, उन्होंने तुरंत उठकर खेदी व्यक्त नहीं किया था, विपक्ष से माफी भी मांगी थी। हमारी पार्टी ने तुरंत उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष है हरियाणा के, आता ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है, कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिदुड़ी के मामले पर स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि दानिश अली पर बिदुड़ी के अति आपत्तिजनक बयान की निंदा उन्होंने की है और राजनाथ सिंह ने जल्द ही इस पर खेद भी व्यक्त किया था और टिप्पणी तुरंत ही हटा ली गई थी, लेकिन दानिश अली बिदुड़ी को उकसा रहे थे। दानिश अली ने पीएम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। और बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक ट्वीट कर कल कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप हूं शीतल होए। ये उन्होंने रमेश बिदुड़ी के बयान के बाद ट्वीट किया था। कबीरदास की इन पंक्तियों का मतलब है कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद अनुभव हो। लेकिन साफ है, हमारी राजनीति की दुनिया में ऐसी भाषा नहीं बोली जा रही। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, राजीव जेटली प्रवक्ता बीजेपी के और ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। ऋषि जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आपने ये भाषा सुनी जो आज सामने आई है, ऐसे में राजनीतिक दुनिया में क्या कोई सीमा है कि हम हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, हम क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, उदय भान जी का आधी खुला सहमत हो सकता है। उदय भान जी ने जिस अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए किया है वो सही नहीं है, लेकिन उनका जो मंशा था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जनता से जुड़े हुए जो उन्होंने वादे किए थे उस पर खड़े नहीं थे। जहां तक आपत्तिजनक शब्दों की बात है तो अभी कई कबीर का या कई नेताओं का मैं बयान आपके यहाँ टीवी पर देख रहा था, तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित सांसद शशि थरूर के पत्नी के लिए क्या कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री ने कभी माफी मांगा क्या? आज जो महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर बीजेपी इतना हाय तवा मचा रही है, इसी देश के प्रधानमंत्री ने शशि थरूर जी के स्वर्गीय पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। अभी फिलहाल 4-5 दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 10 जनपद हो रही है कि अगर किसी एक पक्ष ने अभद्र भाषा का
बयान जी मैं उसी कह रहा हूँ, यही चर्चा का मुद्दा तो यही है ना कि अगर किसी पक्ष ने या किसी नेता ने या विरोधी राजनीतिक विरोधी ने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो क्या उसका जवाब उसी भाषा में देना होगा, या फिर हम एक सीमा भी एक तय कर सकते, एक हद भी तय कर सकते कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान, दूसरा प्रधानमंत्री का बयान, दोनों का तुलना आप नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के माँ बहनों से माफी मांगी कभी? क्या कभी खेद व्यक्त की कि शशि थरूर के स्वर्गीय पत्नी के लिए हमने रेप? मैं धड़कन तेज हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति में ये आम बात है, राजीव जेटली जी प्रवक्ता है जो बीजेपी के, चलिए आपने सवाल उठाया है ऋषि मिश्रा जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सवाल उठा रहे हैं क्या उसका जवाब बीजेपी से इस वक्त मिल सकता है? रमेश बिदुड़ू के लेकर तमाम बातें आई सामने, उसके बाद आज कांग्रेस की तरफ से कुछ उसी तरह का बयान आया, तो साफ है कि अभद्र भाषा राजनीति की दुनिया में कहां जाकर रुकने वाली है, कौन क्या कब कह जाएगा, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे लेकिन हम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे। राजीव जेटली जी, सिक्का पहले तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि मैं भी हरियाणा से आता हूं, हरियाणा के अंदर इस तरीके से अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और खासतौर पर कोई राजनीतिक पार्टी जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो उसके प्रदेश अध्यक्ष, जिनके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व होता है प्रदेश का, अगर वो इस तरीके की बदतमीजी वाली भाषा यूज करेंगे तो उससे आप उसका उनका आचरण जान सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, आपने वो हंस रहे हैं अभी भी, और वो अभी भी कह रहे हैं मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हो सकता है एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं ना गर्ड, गर्ड एक बीमारी होती है, उसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है, अगर आपके पेट में एसिड बनता है तो कई बार वो गले तक आ जाता है आपके। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि कांग्रेस के हर नेता के अंदर वो एसिड ना होकर के जहर है, और वो जहर बाहर उगलना चाहते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे नेता इस बात से बहुत खुश होंगे। वो सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को गाली निकालते हैं, वो राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री। जो आप कह रहे हैं, आप एक तरफा बात कह रहे हैं लेकिन आपके नेता भी संसद के अंदर इस तरह का बयान दे चुके हैं, और आपके जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं वो संसद के अंदर इस पर खेद भी जता चुके हैं, तो ये दो तरफा बातें हैं। एक तरफ एक पक्ष ही ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है ऐसी बात नहीं है, या फिर बीजेपी कर रही है ऐसी बात नहीं है, दोनों तरफ से इसी तरह की भाषा सामने आ रही है। बात होती है रिएक्शन की, रिएक्शन कैसा आया? हमारे जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने माफी मांगी, हमारी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया गया, और हमारी पार्टी इस बात को क्रिटिसाइज कर रही है कि इस तरीके के बयान नहीं चलेंगे, इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ अगर एक अध्यक्ष बोल रहे हैं तो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे नेता खुश हो रहे हैं मेरे बयान से, इसीलिए उनको इस बात पर आपत्ति नहीं है, उनको लगता है कि मैं इससे ज्यादा भी बोल के दिखाऊंगा तो हो सकता है इससे ज्यादा खुशी मिले उनको। देखिए, लगभग 90 के करीब हमने तो गलियों की लिस्ट बना रखी है, लगभग 90 के करीब। तो आप कह रहे हैं कि खेद जताया है बीजेपी ने और वरिष्ठ मंत्रियों ने माफी भी मांगी है और स्पीकर से कहा भी है और एक कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है, 10 दिन का समय दिया गया है कि जिस पर उनको जवाब देना है रमेश बिदुड़ू को, क्यों ना उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करे। ऐसे में जो आज बयान कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता ही सही लेकिन बयान आया है ऋषि मिश्रा जी, क्या पार्टी को भी, हालांकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि क्या पार्टी को इस तरह के बयानों पर माफी नहीं मांगनी चाहिए, किसी तरह की कार्रवाई कर एक तरह से उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें इफ एंड बट का सवाल नहीं है। लेकिन मैं राजीव जेटली जी जैसा नहीं हूँ, राजीव जेटली जी ने रमेश बिदुड़ू का एग्जाम्पल तो लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शशि थरूर से कभी माफी मांगा क्या? जिस देश के महिलाओं से कभी माफी मांगा क्या? हेमंत बिश्व शर्मा सोनिया गांधी को जलाने की बात करते हैं, बीजेपी ने क्या नोटिस दिया क्या? ये दोगली बातें बीजेपी ना किया करे। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी माफी मांगेगी तो कांग्रेस के नेता माफी मांग सकती है, ये बहस लंबी खींचेगी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम यहाँ बैठकर प्राइम टाइम में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाषा हमारे नेताओं की कैसी हो, क्या संसद के अंदर या बाहर राजनीति साधने का कोई और तरीका नहीं है, हम इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों करें? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें भाषा को लेकर भी चर्चा करनी पड़ी है, लेकिन आज इतना ही वक्त है इस चर्चा के लिए, और
उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जो उदाहरण सामने आ रहे हैं अभद्र भाषाओं का, आपत्तिजनक बयानों का, ये पार्टियां इससे सबक लें कि किस तरह वो अपने वोटर्स के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं।